सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ i20 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके साथ हम कैसे वीडियो इसमें चला पाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज और ऐसे कॉन्टेंट्स मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का यूज करना आपको बताया था कि आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कैसे उसको यूज कर पाएंगे, कैसे इसके हाथ उसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो गाइज, उसमें हमें कहीं पर भी वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हम एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके इसमें वीडियो चलाएंगे यूट्यूब से, तो वो वीडियो जो हम चलाएंगे इस पर भी हमें दिखेगी। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अपने फ़ोन कनेक्ट करके देख लेते हैं। अभी हम एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है, देन हम इसे इसके होम पेज पे ले चलते हैं। अब हम चलाएंगे अपने फ़ोन पे यूट्यूब पे कोई वीडियो। आपका फिर से स्वागत है गाइज, ये पार्ट टू है। सेम डे में शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एंड्रॉयड ऑटो के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल कार प्ले के बारे में कि आप कैसे इसके साथ उसे कनेक्ट कर पाएंगे और कैसे उसका यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, एप्पल कार प्ले आपको अगर इसमें यूज करना है तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑल मेनू में जाना पड़ेगा। तो अभी देखा आपने, मैंने वीडियो चलाई अपने फोन पे, पर जो वीडियो थी वो फोन पे ही चल रही है, पर जो हमारी वॉल्यूम जो आवाज़ आ रही है वो हमारे कार के सिस्टम से आ रही है। तो इसमें कोई पॉसिबल नहीं है हमारा जो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले, मैंने एप्पल कार प्ले से भी मैंने ट्राई करके देखा है, तो इन दोनों से पॉसिबल नहीं है वीडियो चला पाना। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ वीडियो चलाने का। तो गाइस, वीडियो चलाने के लिए आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसे डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। ऑल मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा USB वीडियो का एक ऑप्शन, आप देख सकते हैं। तो हमें इसके लिए हमें एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास पेन ड्राइव है यहाँ पर, तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, देन ये रीड करेगा उस पेन ड्राइव को, और जैसे ही ये रीड कर लेगा तो गाइस, जो यहाँ पर USB वीडियो का ऑप्शन है वो हो जाएगा खोलने के लिए रेडी। तो इसे हम खोल के देखते हैं, तो सीधे हमें वीडियो पर ले जाता है। देन यहाँ पर हमें लिस्ट मिल जाएगी और जो जो वीडियोज़ हमारी पेन ड्राइव में होंगी वो यहाँ पर हमें दिख जाएंगी। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें वीडियो चला पाएंगे, और जो वीडियो का साइज़ बड़ा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। जो पिछले दो वीडियो में आपको दिखाया था उसमें दो ऑप्शन खुल नहीं रहे थे, दो ये एक ऑप्शन थे एडजस्ट एंड रेशियो। तो इस पेन ड्राइव लगाने के बाद ये ऑप्शन हमारे इनेबल हो जाते हैं, तो यहीं से आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा यहाँ पर कर पाएंगे। और रेशियो का जो है, नॉर्मल स्क्रीन करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फुल करेंगे तो फुल स्क्रीन में आएगा, वाइट करेंगे तो थोड़ा सा इसमें साइज कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ सेटिंग करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरीके से आप i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वीडियो वगैरह चला पाएंगे। और साथ ही कंपनी ने इसमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए काम किया हुआ है। अगर आप वीडियो चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जब आपका हैंड ब्रेक अप्लाई होगा और गाड़ी पार्क होगी तो ही वीडियो आपकी चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप हैंड ब्रेक हटाते हैं गाड़ी का तो वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नॉट अवेलेबल वाइल ड्राइविंग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर पार्किंग द व्हीकल। तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। देन जैसे ही आप दोबारा से हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वीडियो दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी। तो गाइज, कुछ इस तरीके की सेफ्टी पर्पज़ के लिए कंपनी ने इसमें काम किया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और ऐसे कॉन्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।